राम तो जय श्री राम के चैप्टर फाइव के बारे में आज बात करेंगे चैप्टर फाइव है इंडिया ट्रंप्स पाकिस्तान 1971 वॉर बर्थ ऑफ बांग्लादेश एंड एमरजेंस ऑफ दुर्गा इंदिरा गांधी 16 दिसंबर 1971 इस चैप्टर में मैंने मूल रूप से आई हैव टॉक्ट अबाउट दी 1971 वॉर थोड़ा बैकग्राउंड भी मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है देखिए 1951 के सेंसस में आ, पाकिस्तान की कुल आबादी करीब साढ़े सात करोड़ थी अब जरा आप उसको पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान जो उस समय था उसको समझ भी लीजिए वेस्ट पाकिस्तान की आबादी थ्री पॉइंट थ्री करोड़ और उसके पास जो लैंड मास जो उसके पास जमीन थी वो करीब सेवन पॉइंट नाइन सिक्स लैख स्क्वायर किलोमीटर ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है उसकी आबादी फोर पॉइंट टू थ्री पॉइंट थ्री से ज्यादा और उसके पास लैंड जो था वो 1.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर उनके पास 7.96 लाख स्क्वायर किलोमीटर इनके पास 1.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर तो जो जो धन संपदा जो वैसी संपदा थी नेचुरल संपदा थी वो भी वेस्ट पाकिस्तान के पास ज्यादा थी इस पाकिस्तान के पास कम थी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा था अब कहानी शुरू होती है कि ये जो ईस्ट पाकिस्तान था जो जब हिंदुस्तान एक था उस समय तो बंगाल का हिस्सा एक मेजर पोर्शन था बंगाल टोटल टो, 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 यूनाइटेड बंगाल था इसके सबसे बड़े लीडर उस समय एच एस सोहरावर्दी थे सोहरावर्दी साहबी के शिष्य कह लीजिए या उनके अनुयायी कह लीजिए शेख मुजीब थे और एक चीज और आपको बता दूं सोहरावर्दी जो बाद में जाके प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं पाकिस्तान के वो हिंदुस्तान में 1949 तक हिंदुस्तान में ही रहे थे ये मुस्लिम लीग के बाद प्रोमिनेंट लीडर थे और बाद में इन्होंने अवामी मुस्लिम लीग बनाई और फिर उस अवामी मुस्लिम लीग का नाम इन्होंने अवामी लीग रखा क्योंकि इनको ऐसा लगा कि बांग्लादेश में भाई जो हिंदूज हैं और नॉन मुस्लिम हैं वो भी इसका हिस्सा बन सके इधर क्या हुआ कि पाकिस्तान में जनरल अयूब ने 1962 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की जगह प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की

2% वोट जनरल अयूब को मिले 36% वोट फातमा जिन्ना को मिले लेकिन इस पे एक जो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि शेख मुजीब फातमा जिन्ना के साथ अलाइन थे और वो उनके सपोर्ट में कैंपेन किए थे इसके बाद जनरल अयूब क्या को सक्सेड किया जनरल अय्या खान ने और वहीं पे से उससे पहले से शेख मुजीब चूंकि एक्टिव हो गए थे और 16 वर्दी साहब की डेथ हो गई तो, तो अब शेख मुजीब निर्विवाद रूप से ईस्ट पाकिस्तान जो वेस्ट पा, जो अब बांग्लादेश है उसके सर्वमान मतलब सबसे बड़े नेता के रूप में स्टैब्लिश हो गए उन्होंने एक अपना सिक्स पॉइंट प्रोग्राम भी बोला सिक्स पॉइंट प्रोग्राम दिया हालांकि उनके ऊपर वेस्ट पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे दे ऑलवेज यूज टू से कि ये 1962 और 1965 में इन्होंने हिंदुस्तान सरकार का साथ दिया है इस तरह के चार्जेस लगाते थे आ, लेकिन मेन जो कारण ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दूर होने का था वो दो चीज़ें थी लैंग्वेज और कल्चर वेस्ट पाकिस्तान उर्दू को एज अ नेशनल लैंग्वेज प्रमोट कर रहा था और उर्दू को ज्यादा ढकेल uh, रहा था ईस्ट पाकिस्तान में जिनकी अपनी मातृभाषा बंगाली थी और उसी तरह से उनका जो अपना कल्चर बांग्ला था उसको भी uh, उनको लगता था दिस इज अंडर थ्रेट एंड ये सारी चीजें ही uh, एक दूसरे से खींचतान का विषय बन रहे थे uh, 7 दिसंबर 1970 में जो पहला फॉर्मल जनरल इलेक्शन होता है पाकिस्तान का वो हिंदुस्तान के मतलब हम लोगों का पहला जनरल इलेक्शन 52 में इनका पहला जनरल इलेक्शन 1970 में हुआ था 7 दिसंबर को इलेक्शन हुआ और पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली थी उसमें कुल 300 सीटें थी उस 300 सीटों में 162 सीट्स ईस्ट पाकिस्तान 138 थर्टी एट सीट वेस्ट वेस पाकिस्तान आबादी ज्यादा थी इस पाकिस्तान की इसलिए उनके पास ज्यादा सीटें थी शेख मुजीब की जो अवामी लीग थी उसने कुल 170 कैंडिडेट खड़ा किए 162 मतलब सारी सीटें ईस्ट पाकिस्तान की और एट सीट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान जो भुट्टो जी थे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वाले उन्होंने केवल एक सीटें लड़ी जबकि आप समझ सकते हैं कि मेजोरिटी के लिए 151 सीट पे आप कैंडिडेट खड़े करने थे भुट्टो के पास उतना लोग नहीं थे कि वो 151 सीट में कम से कम इलेक्शन भी लड़ पाते वो 120 सीट और वो सारी सीटें उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान में लड़ी इलेक्शन हुआ इलेक्शन का रिजल्ट आया आवामी लीग 160 सीटें जीती 170 लड़ी उसमें 160 और वो भी 162 सीट्स जो ईस्ट पाकिस्तान की थी उसमें से वन सीट जीत गई पाकिस्तान पीपल पार्टी भुट्टो वाली पार्टी 81 सीट्स सीट जीती वन में तो एक तरह से इनके और मुजीब रहमान और भुट्टो जी की पार्टी के बीच में दुगने का फर्क था अब क्या हुआ कि इधर भुट्टो को मतलब वो जो टेक्निकली ये सबसे बड़ी पार्टी थी इनको ताकत इनको इनकी सरकार बन जानी थी भुट्टो उसमें आनाकानी करने लगे हालांकि भुट्टो का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी यहाँ पे पता लगा है और आपको मैंने मेंशन किया कि ऐसा जनरल अयूब ने अपनी डायरी में लिखा है कि 1958 में जब तक भुट्टो पहली बार मंत्री नहीं बने तब तक वो अपने को इंडियन सिटीजनी के रूप में वो करते थे और कई जगह हलफनामा दिए थे क्योंकि उनकी बहुत सी प्रॉपर्टी इंडिया में थी फिर ये जब इलेक्शन हो गया और ये लोग सरकार रहमान की नहीं बनने दे रहे थे तो उस समय यिया खान ने और शेख मुजीब और भुट्टो ने मिलकर यह तय किया कि यहां पे वो ऑपरेशन सर्चलाइट करेंगे एक फरवरी 1971 में लेकिन ऑपरेशन साहब जाए मतलब मिलिट्री के थ्रू इसको दबाने की कोशिश करेंगे अब वहां शाहजादा याकूब खान जनरल साहब थे उन्होंने ईस्टर्न जनरल ईस्ट कमान थे उन्होंने ये कह करने से मना कर दिया तो ये जनरल टिक्का खान को लाए जनरल टिक्का खान ने कमान संभाली और फिर एक बार फिर जनरल यहीया खान गए थे भुट्टो भी गए थे ढाका लेकिन कोई बात बनी नहीं पच्चीस मार्च को शेख मुजीब गिरफ्तार हो गए और ऑपरेशन सर्च शुरू हो गया सबसे पहले ढाका यूनिवर्सिटी के ऊपर धावा बोला गया जहाँ पे कहा जाता है कि पहले दिन करीब 100 से 300 लोगों की हत्या हुई तो टीचर्स और स्टूडेंट मिला के जो बांग्लादेश की टोटल वॉर चली उसमें इसमें एक मोटा अंदाज ये है कि तीन से तीस लाख लोगों लोग मरे हैं ऐसा एक जनरल अनुमान है आ, लाखों महिलाओं का के साथ रेप हुआ करीब दस मिलियन एक करोड़ लोग हिंदुस्तान में रिफ्यूजी बन के आए हिंदुस्तान में आसाम में वेस्ट बंगाल में बहुत से त्रिपुरा में सब बहुत से, से इंडियन स्टेट्स में और ऐसा भी माना जाता है कि तीस मिलियन करीब तीन करोड़ बांग्लादेशी को अपना घर छोड़ना पड़ा मतलब डिस्प्लेस हुए अपने घर से अब क्या हुआ कि जब ये सब शुरू हो गया आप शेख मुजीब इधर बांग्लादेश ने अपनी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू की और अप्रैल महीने में उन्होंने गवर्नमेंट बांग्लादेश की एक गवर्नमेंट बना ली गवर्नमेंट इन एग्जाइल और उसका एक हेडक्वार्टर कलकत्ता था तो एक समय हिंदुस्तान में ऐसा भी था कि दो गवर्नमेंट इन एग्जाइल चल रही थी एक तिब्बत की और एक बांग्लादेश की पच्चीस अप्रैल को इंदिरा गांधी ने अपनी वो कैबिनेट मीटिंग बुलाई जिसमें जो फेमस 25 अप्रैल 1971 में वो कैबिनेट जो फेमस कैबिनेट मीटिंग है जिसमें आ, सेना के जनरल मानिक शाहर ने भी हिस्सा लिया और ये वही मीटिंग है जहां पे जब इंदिरा गांधी ने मानिक शाह से कहा कि भाई इतने ज़्यादा शरणार्थी आ रहे हैं हम लोग इसको हैंडल नहीं कर सकते हैं और अब अपने पास कोई रास्ता नहीं रह गया है वॉर के सिवा तो अब तुरंत तो आप तैयारी तो करिए और अ, मतलब बांग्लादेश जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान था वहां पर कार्रवाई की जाए तो मैं मानिक शाह ने उनसे कहा कि अगर हम इस समय लड़ाई करते हैं तो आई गारंटी यू डिफीट मैं आपको हार गारंटी करता हूं और उनका उनके अपने तर्क थे उनके सेना के तर्क थे कि भाई अभी बर्फ नहीं पड़ी है चाइना की तरफ से खतरा है उनकी जो सेना की टुकड़ियां हैं उसको मूव करने में टाइम लगेगा अभी हम मतलब अभी हमें प्रिपरेशन में टाइम लगेगा आ, और इंदिरा गांधी को यह माना जाता है डिक्टेटर थे डिक्टोरियल था लेकिन उनके समय कम से कम सेना के जो जनरल साहब थे वो अपना मुंह खोल सकते थे उनके समय जो सेना के जनरल अगर मुंह खोलते तो उनकी बात को रखा भी जाता था और तुरंत अटैक करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया गया फिर आ, मैं मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि इसके रेफरेंस में चीजें समझना ज्यादा आसान होगा फिर एक हिंदुस्तान ने अगस्त 1971 में ट्रीटी ऑफ पीस सोवियत रूस के साथ साइन की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आ, वो हिंदुस्तान की उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान केवर्ण सिंह और और ने साइन की थी जो सोवियत रूस के मिनिस्टर थे आ, इस बीच क्या हुआ कि यहाँ पे अब चूंकि प्रिपरेशन हो रही थी मानिक शाह अपने हिसाब से पल्टन को यहाँ से वहाँ मूव कर रहे थे तैयारियाँ चल रही थी उसी तैयारी के में मुक्ति वाहिनी के जो ट्रेनिंग uh, कैंप्स थे वो हिंदुस्तान में लगाए गए और उधर क्या हो रहा था कि पाकिस्तान एक तरह से जेनोसाइड था दुनिया की प्रेस कह रही थी कि ये नरसंहार है लेकिन पाकिस्तान को यूएस लगातार आम सप्लाई किया जा रहा था इस बीच इंदिरा गांधी को भी समझ में आ गया ये सब कुछ हो गया था कि एक वर्ल्ड टूर में जाके उन्होंने दुनिया का ओपिनियन हिंदुस्तान के पक्ष में करने की कोशिश की यूरोप में गई सात आठ देशों में गई और फिर यूएस गई और उन्होंने बताया कि भाई इतनी बड़ी शरणार्थी की समस्या है हमारे पास खुद अपने थोड़ी दिक्कत है हमारे पास अनाज की लेकिन हम इनको क्या करें और हमारे लिए जरूरी है कि आप या तो इंटरवीन कीजिए इस वॉर को बंद कराइए या फिर हमें इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा आ, ये वही यात्रा है जिसकी अब तो सब जगह है जहाँ पे निक्सन और किसिंजर ने इंदिरा गांधी के साथ बहुत दुर्व्यवहार एक तरह से किया था और हिंदुस्तान की अस्मिता को चुनौती दी थी, थी उनको लगता था कि ये देश है जहाँ पे खाने को ठीक से नहीं है साधन बहुत नहीं है और इनको हम अपनी बात को बुलडोज करा लेंगे लेकिन इंदिरा गांधी तो किसी और चीज की बनी थी वो वापस आए और फिर तीन दिसंबर को हिंदुस्तान की बांग्लादेश मतलब हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हो गई जिस दिन लड़ाई शुरू हुई है तीन दिसंबर को उस दिन इंदिरा गांधी ईस्टर्न बॉर्डर थी फॉरवर्ड एरिया में थी लोगों से मिल रही थी तभी पता लगा कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया है वॉर फॉर्मली हो गई इंदिरा गांधी वापस दिल्ली पहुंचती हैं रात में सबसे पहले वो डिफेंस के जो जनरल थे और जो नेवी और एयरफोर्स के थे तो उनके साथ मीटिंग करती हैं फिर यूनियन कैबिनेट की मीटिंग होती है और फिर उसी समय उसी रात में ऑपोजिशन लीडर के साथ भी बैठक करते हैं ये मैंने सारी चीज़ें आपको इसलिए बताई हैं कि अब इस तरह का शायद माहौल कोई सोच भी नहीं सकता है क्योंकि ये होगा ऑपोजिशन लीडर का क्या हम तो हम तो इलेक्शन जीत के आए हैं हम दूसरे की क्यों सुने हमें मैंडेट है लेकिन इंदिरा गांधी इलेक्शन जीत के आई थी लेकिन वो देश के सामने जब वॉर की बात हुई तो वो उनके साथ भी उन्होंने बात की ऑपोजिशन के साथ भी बात की आ, मैंने बैटल ऑफ लोंगेवाला जो आपने क्योंकि उसको आप लोगों ने बहुत बार बॉर्डर पिक्चर में देखा होगा जिसमें मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का रोल सनी देओल ने किया किया है है मैंने उसको भी ब्रीफली टच किया है। फिर दिसंबर को जो की नेवी ने कराची पोर्ट को कैसे हमला किया मैंने उसको भी किया है और फिर यूएस की सेवन फ्लीट की बात की है जो उसने हिंदुस्तान भेजा मतलब इस वॉर को खत्म करने के लिए धमकी देने के लिए डराने के लिए सेवन फ्लीट आई कैसे रशिया की फ्लीट ने उसमें इंटरवीन किया उसको देख के उनकी को देख के ये फ्लीट वापस गई इत्यादि इत्यादि छह दिसंबर को इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अनाउंस करती हैं कि बांग्लादेश एक राष्ट्र बन गया है और उसको रिकॉग्नाइज कर दिया हिंदुस्तान ने फिर वो स्टोरी है जनरल नियाजी के आत्मसमर्पण की जिसमें 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स और वर्कर्स ने मतलब जो और सिविलियंस थे उन्होंने आत्मसमर्पण किया हिंदुस्तानी हिंदुस्तान फौज के सामने कैसे जनरल जेकब और जनरल अरोड़ा ने उसको स्ट्रक्चर किया फिर एक उसकी एक इंटरेस्टिंग एनेकडोट है कि उस समय जब यह हुआ था तो मानिक शाह का एक फेमस कोट है उन्होंने मानिक शाह ने देश की आजादी से पहले यैया खान ने उनसे एक मोटरसाइकिल खरीद थी उनकी पुरानी मोटरसाइकिल एक हजार रुपए में पैसा कहा था बाद में दे देंगे वो पैसा कभी दिया नहीं गया तो मानिक शाह ने कहा कि या या ने, खान ने जो मेरी मोटरसाइकिल का एक हजार रुपया नहीं दिया था आज उसको आधा पाकिस्तान देके उसकी कीमत एक तरह से चुकाई गई इस तरह की बातें भी उन्होंने कही कही थी आ, अब क्या हुआ कि एक प्रश्न जो मैंने जो मेरे पास भी नहीं है और आप लोगों को, को भी इसका उत्तर तो ढूंढना होगा कि इंदिरा गांधी ने सब जो किया उसको क्या वो बांग्लादेश क्रिएट करना चाहती थी या पाकिस्तान को डिवाइड करना चाहती थी इसका प्रश्न थोड़ा आ, हर एक के अपने अपने तर्क होंगे फिर इस बीच क्या हुआ कि भुट्टो तो अमेरिका थे वो हिंदु, हिंदुस्तान अमेरिका की पैरवी कर रहे थे यूएन में और यहाँ वहाँ भुट्टो को फिर फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाया गया है एक 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 इंटरेस्टिंग इसमें एपिसोड और मैंने जिक्र किया है मुजफ्फर हुसैन साहब चीफ सेक्रेटरी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान थे और जब ये आत्मसमर्पण हुआ सरेंडर हुआ तो इनको भी गिरफ्तार करके लाया गया दिल्ली लेकिन इनको चूंकि चीफ सेक्रेटरी ऑफ वो थे डीपी धर के घर पे ये पर हाउस अरेस्ट कह लीजिए वहां रखे गए हुसैन साहब मुजफ्फर हुसैन साहब की पत्नी का नाम लैला था लैला जी जब ये वॉर जब शुरू हुई उस समय लंदन गई हुई थी किसी काम से वॉर शुरू हो ये वापस आ नहीं पाएंगे लैला जी भुट्टो की बहुत व्यक्तिगत दोस्ती थी उनकी अब यहां पे ये यह हुआ क्योंकि अब सबसे बड़ा टारगेट ये था कि शेख मुजीब को छुड़ाना जरूरी है क्योंकि बांग्लादेश आप सोचिए क्रिएट हो गया है बांग्लादेश लिबरेट हो गया लेकिन जो तो उसके सबसे बड़े नेता है वो अभी जेल में है अब इंदिरा गांधी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि भुट्टो को अब शेख मुजीब को छुड़ाया जाए क्योंकि आप जरा गौर करिए अगर शेख मुजीब नहीं छूटते और बांग्लादेश आजाद हो चुका होता तो वहां के क्या दशा होती खैर इस सब की बात के लिए कि उनके मन में क्या है ये लैला जी को यूज किया गया ही हित्रो लंदन के हित्रो एयरपोर्ट पे भुट्टो आते हैं अमेरिका से जहाज चेंज होता है वहां पे लैला उनसे मिलती हैं लैला को वो समझ जाते हैं कि किस लिए भेजी गई हैं और ये सारी बातें शशांक एस बनर्जी जो डिप्लोमेट थे उन्होंने अपनी जीवनी में लिखी है आ, इसको भी मैंने जिक्र किया फिर यैया खान जब बीस दिसंबर को भुट्टो को हैंड करते हैं पाकिस्तान की बागडोर तो एक अनडेटेड डेथ वारंट ऑफ शेख मुजीब मुजीबीन वो करते हैं शेख मुजीब जहां जिस सेल में बंद थे उसके बगल में कवर खोद के रखी जाती थी और उनको रोज ये धमकी रहती थी कि अब आपको तो डेथ सेंटेंस आने वाला आपको तो हम फांसी पर लटका देंगे भुट्टो फिर जाते हैं फिर आ, उनको कई बार कन्विंस करने की कोशिश करते हैं मुजीब रहमान को कि भाई आप ठीक है आप इंडिपेंडेंस ले लीजिए लेकिन एक क्लोज लिंक या कुछ एक कॉन्फेडरेशन टाइप चीज़ पाकिस्तान के साथ रखिए बड़ी नाक कटेगी बड़ी फजियहत होगी लेकिन आ, मुझी बिल्कुल टस से मस नहीं होता वो कहते हैं भाई मैं अपने बिना लोगों से बात किए हुए इस पर कोई निर्णय नहीं ले सकता हूँ हालांकि आप एक तरफ ये सोचिए उनके ऊपर डेथ थ्रेट है कबर खुदी हुई है किसी भी समय ये कहा जाता है कि उनको फांसी पे लटकाया जा सकता है लेकिन जिसको कहते हैं ना गेम ऑफ विट्स में वो उन्होंने अपने विट्स को वो नहीं होने दिया हावी नहीं होने दिया के के धमकी को और वो आ, लास्ट रहा कि मैं अपने लोगों से बात करके ही करूंगा फिर वो वहां से छूटते हैं वहां से पाकिस्तान से पाकिस्तान लंदन जाते हैं लंदन से फिर वो बांग्लादेश ढाका के लिए जब जा रहे होते हैं तो वो आया दिल्ली होते हुए जाते हैं दस जनवरी 1972 को दिल्ली में उनका कितना बड़ा भव्य स्वागत होता है और एक चीज ताजुब वाली है इंदिरा गांधी जीवन में पहली बार मुजीबुर रहमान से दस जनवरी नाइनटीन में मिलती हैं जब तक बांग्लादेश वो हो चुका है आ, मतलब लिबरेट हो चुका है और अब ये वापस जा रहे हैं इसके बाद की कहानी फिर शिमला जून में शिमला एग्रीमेंट की बात होती है जुलाई में साइन होता है सीज फायर लाइन को एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल बोला बोला जाता है लेकिन उसमें एक बहुत से लोगों का यह है कि इंडिया के पास नाइनटी थ्री थे अगर हम लोग चाहते तो हम लोग नेगोशिएट करके जम्मू कश्मीर तो उसमें मैं, मैंने इस पे भी बात की है कि जम्मू कश्मीर का क्या था एक चीज जान लीजिए जब भुट्टो ने लैला से यह कहा था कि मैं इनको मारूंगा नहीं शेख मुजीब को मैं फांसी पर नहीं लटकाऊंगा लेकिन इसके बदले में मैं क्या लूंगा वो मैं दूसरे चैनल से इंदिरा गांधी को बता दूंगा ऐसा कहा जाता है कि जब वो रात में भुट्टो ये ये जब कहीं से शिमला एग्रीमेंट कंक्लूड नहीं हो पा रहा था छह ड्राफ्ट हो चुके थे तब इंदिरा गांधी के पास जाते हैं और कहते हैं कि अगर आप इसको नहीं मानी तो मैं वापस जाऊंगा और डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी और ये अपने उस एहसान का बदला कहते हैं भाई शेख मुजी को मैंने छोड़ा जब आपने कहा था कि मैं आपकी बात मानूंगी तो इस समय आप साइन कर दीजिए मैं वादा करता हूं कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये बॉर्डर में हम इसको कर देंगे और जम्मू कश्मीर की समस्या को भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे खैर वो वादा खिलाफी होती है उस वो एक अलग हिस्ट्री है दूसरी एक बात तो मैंने टच की है जो चौवन पीओडब्ल्यूज ऑफ इंडिया ऐसा कहा जाता था कि पाकिस्तान में थे जिसकी बात क्यों नहीं इंदिरा गांधी ने की मेरे हिसाब से जो मेरी जानकारी जितना मैंने पढ़ा है इंदिरा गांधी को उसके बारे में ना किसी ने ब्रीफ किया था और ना उनको पता था कि हमारे चौवन पीओडब्ल्यूज वहां पे हैं ये तो जब शिमला एग्रीमेंट साइन हो गया वो हो गया एक और इंटरेस्टिंग बात है कि लगता है ना कि जून नाइनटीन जुलाई नाइनटीन सेवेंटी टू में शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ सब लोग ठीक हो तीन साल लगे थे तीन साल लगे ये जो प्रिजन ऑफ वॉर थे इनको वापस पाकिस्तान जाने में लास्ट जनरल नियाजी 30 अप्रैल 1975 में वापस जाते हैं आ, वो वो भी कहानी जनरल नियाजी को कैसे वहां पे स्ट्रिप ऑफ किया जाता है जनरल शेप और उस दिन सन्न नहीं किए होते तो उनके हाथ उनका एक नब्बे तिरानबे हजार पाकिस्तानियों की जान दांव पे लगा रहे थे और आ, सबसे बड़ी बात यह है कि आ, अंत में जो मैंने कहा है कि इस, इस पूरे उस उसके जो तीन मुख्य किरदार थे शेख मुजीब ना का हत्या होती है भुट्टो पाकिस्तान के मुख्य किरदार फांसी पर लटकाए जाते हैं और इंडिया इंदिरा गांधी उनकी भी उन जो हत्या होती है सबको मालूम ही है श्यू आर डेड तो ये तीनों मुख्य किरदार का जो अंत है वो अच्छा नहीं होता और यहीं पे मैं मैंने चैप्टर फाइव को ख़त्म किया है मेरा फिर आपसे आग्रह है कि आप किताब पढ़िए आपको इंटरेस्टिंग बहुत से फैक्ट्स ऐसे मिलेंगे और ऐसी लीड भी मिलेंगी कि आपको आपका मन करेगा कि और हिस्ट्री को पढ़ें और हिस्ट्री को नज़दीक से जानें थैंक यू सो मच धन्यवाद